खोखर टाइम्स की विशेष पेशकश आप मंगाओ आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 10 अगस्त 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में फाके का निरीक्षण किया। जिला स्तर पर कस्बे की 3 महिलाएं हुई सम्मानित, स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया ज्योति। भाजपा ने श्री डूंगरगढ़ देहात व मोमासर मंडल के पदाधिकारियों को नियुक्ति दी, शहर मंडल पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। जन जागृति मंच के तोलाराम मारू ने विधायक से मोमासर व सुरसरिया सेरोना को उप तहसील बनवाने की मांग। 11 में वोल्टेज कम रहने की शिकायत दर्ज करवाई मोहल्ले वासियों। बीका को संकल्प क्रांति न्यास सवर्ण संगठन का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। आज कोरोना जांच के लिए 85 सैंपल लिए गए। प्रदेश में गौशाला गुसाईसर बड़ा में किया गया पौधा। विस्तार से श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में टिड्डी पाके का प्रकोप फसलों के लिए काल बना हुआ है और आज जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बीकाबास रामसरा के रोई में पहुंचकर फाके का निरीक्षण किया। नमित मेहता ने किसानों से फाके के लिए स्वयं सक्रिय होकर निस्तारण करने के लिए आगे आने की बात कही। मेहता ने कहा कि किसान विभाग के भरोसे नहीं बैठकर पुरातन तरीके अपनाए व विभाग की सहायता से उन्हें मारने के पुरजोर प्रयास करें। मेहता के साथ उप निदेशक कृषि जगदीश पुनिया, सहायक कृषि निदेशक डॉक्टर रामकिशोर मेहरा, सहायक कृषि अधिकारी रमेश चंद्र भामू, नायब तहसीलदार जयनारायण, कृषि पर्यवेक्षक रमेश माना, बीकाबास रामसरा के सरपंच व हल्का पटवारी भी मौके पर मौजूद रहे। आज कृषि विभाग ने गांव रेड़े उम्मी धर्मास दुसाना कल्याण सर में पाके को मारने के ऑपरेशन चलाए। ग्रामीण व गांव के सरपंच स्वयं भी जुटे हुए फसलों को नुकसान से बचाने जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता में कस्बे के वार्ड 21 निवासी ज्योति पत्नी परमेश्वर गोदारा ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज ज्योति को जिला कलेक्टर की ओर से जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। कस्बे की वार्ड 16 के निवासी सुमन दर्जी को स्लोगन प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार मिला तथा रंगोली प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ की युवती प्रियंका शर्मा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। श्री डूंगरगढ़ कस्बे से 3 महिलाएं जिला स्तर पर आज सम्मानित हुई और तीनों को राजकीय महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर आभा ओझा ने शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देशानुसार एवं बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारसों की अनुशंसा पर श्री डूंगरगढ़ देहात मंडल अध्यक्ष जगदीश स्वामी ने देहात मंडल के पदाधिकारियों को आज नियुक्तियां दी। स्वामी ने श्री डूंगरगढ़ देहात मंडल में 6 उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह, अंकित मोदी, मोहन राम मेघवाल, जेठू सिंह, सीताराम जाट, परमेश्वर देवी को नियुक्त किया। वही 3 मंडल महामंत्री जगदीश पारिक, मोहननाथ सिद्ध, कालूराम नायक को नियुक्त किया गया। वही श्री डूंगरगढ़ देहात मंडल मंत्री भी 6 इमो देवी, पूजा देवी वाल्मीकि, तुलसी देवी सोनी, महेंद्र सिंह, श्रवण कुमार मेघवाल, पूजा कंवर को नियुक्त किया गया। मोमासर मंडल अध्यक्ष गंगाधर शर्मा ने मोमासर मंडल के पदाधिकारियों को नियुक्त दी। शर्मा ने 6 उपाध्यक्ष खिराजनाथ, सुखदेव व्यास, जनकदास, मोहनलाल तामणिया, रेवती देवी, लूणाराम नाई को नियुक्ति दी। वही शर्मा ने 3 मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह, नरेश शर्मा, प्रेम नायक को नियुक्त किया और मंडल मंत्री भी 6 जनों को नियुक्तियां दी गई, जिनमें भागीनाथ सिद्ध, पूजा भावरे, मदनलाल जाखड़, संतोष देवी प्रजापत, शांति देवी सिद्ध, शोभा कंवर, राज पुरोहित पद पर नियुक्ति दी गई। कस्बे में नेहरू पार्क के पास शहर मंडल महामंत्री बजरंग सांसी का स्वागत भी किया गया। राजकुमार सोनी, राजेश शर्मा, नारायण राठी, मनीष पारिक, प्रदीप तोशनीवाल, राकेश बिहानी, बाबूलाल नाई, मोहित झमर, महेश सोनी, घनश्याम आसोपा, महेश आसोपा आदि कार्यकर्ताओं ने बजरंग का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाई। जागृति मंच के अध्यक्ष तोलाराम मारू ने विधायक गिरधारी लाल मैया को ज्ञापन देकर तहसील के बड़े गांव मोमासर व सुरसर या सेरोना को उप तहसील बनवाने की मांग की है। मारू ने कहा कि ये तहसील के बड़े गांव है और तहसील मुख्यालय से इनकी अधिक दूरी होने के कारण यहां ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी समस्या को लेकर वार्ड 11 के मोहल्ले वासियों ने विधायक गिरधारी लाल मैया, अधिशासी अभियंता व पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा को ज्ञापन देकर वोल्टेज समस्या का निस्तारण करने की मांग की। मोहल्ले के युवा नेता मोहम्मद ताहिर काजी, मोहम्मद आमीन,
मुबारक जमीन शाजिद अली आदि मौके पर मौजूद रहे। क्रांति न्यास सेवन संगठन के बीकानेर जिला उपाध्यक्ष पद पर भवानी सिंह बीका को नियुक्त किया गया है। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के उपाध्यक्ष ठाकुर शिवम सिंह ने यह नियुक्ति दी। बीकानेर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समाज के उत्थान में अपना योगदान देने की बात भी कही। बीकानेर में आज 30 कोरोना पॉजिटिव बुलेटिन बनने तक रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक नोखा से महिला पॉजिटिव रिपोर्ट हुई। जिले में आज एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई और श्री डूंगरगढ़ में रविवार को एक और कोरोना पॉजिटिव बैंक कर्मी आने के बाद धूमचक्कर की SBI शाखा को बंद कर दिया गया है और उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी बैंक कर्मचारी अपनी जांचें करवा रहे हैं। आज श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय में कोरोना जांच के लिए 85 सैंपल लिए गए। इनमें से 76 नए सैंपल है और 9 कोविड सेंटर में रहने वाले पॉजिटिव मरीजों के रिपीट सैंपल लिए गए हैं। इन 85 सैंपलों की रिपोर्ट मंगलवार को आने की संभावना है। पड़ा कि श्री कृष्ण गोशाला में आज गांव के युवाओं ने पौधारोपण कर इनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। गांव के युवक श्रवण कुमार स्वामी, प्रकाश गोपाल, वासुदेव नंददास ने नीम, खेचड़ी और बरगद के पौधे लगाए। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद, शुभ रात्रि।